Saranji, shall you start the program? Yes, sure. Yeah, others already joined. The participants have joined already. Against 165, 30 has joined. So let them already join within 5 minutes. Actually, we'll start the program. It's formally not that we can start. Okay. Okay. Good evening, all. I would like to say my sincere warm welcome to all of you for this wonderful evening. We welcome to our MD, Mr. Vijay Kumar sir, for this wonderful gathering. And the today's knowledge source of this webinar, Mr. Saurabh Lohia, founder of Algoji, and our beloved Zebu mates, and the most important fragrance of this today's webinar, our beloved participants. We welcome you all for this wonderful evening and then wonderful knowledge sharing session about Algoji trading platform. Now is the time to introduce the most dynamic research professional. He has 15 years of experience in systematic trading. He holds the charter of market technician since 2010. He has a broad experience in global markets, forex, equities, and commodities. He worked out of proprietary trading firms. He expertise in trading strategy, automation, and algorithmic trading. He is the founder of Algoji Enterprises Private Limited. He has sound knowledge about deployed diverse types of trades, algorithm from HFT to MFT to LFT. He has first-hand experience with list trading technology in India and global markets. Let's welcome Mr. Saurabh Lohia, founder of Algoji Enterprises and today's pilot faculty of the webinar. Mr. Saurabh, the floor is yours. Thank you very much for this opportunity by Zebu. We'll see today how you can automate your trading with Zebu and how you can improve your profitability through algo trading with Zebu. So shall I continue in English or Hindi? What will be the preferred language for participants? Hindi only. Hindi only. ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डालते रहिए, मैं पढ़ता रहूंगा और उसके बाद आपको रिप्लाई करूंगा आपके क्वेश्चन का. अच्छा, पुनीत जी इंग्लिश में बोल रहे हैं. पुनीत जी, एक और ये पहला वेबिनार है. दिस इज द फर्स्ट वेबिनार वी प्लान. दिस वन इज इन हिंदी. नेक्स्ट वेबिनार विल बी इन इंग्लिश. ठीक है, तो आज का वेबिनार हम हिंदी में करेंगे, बट यू नो द नेक्स्ट वेबिनार विल डू इन इंग्लिश. सो इफ एनीवन हैज इश्यूज विद, आई मीन इफ एनीवन हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, वी विल जस्ट रिक्वेस्ट टू प्लीज मैनेज फॉर टुडे. द नेक्स्ट वन विल कम इन इंग्लिश ओनली. ठीक है, तो ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग इज, सो दिस इज, ये एक मेरा फेवरेट, यू नो दिस इज माय फेवरेट डायग्राम. ये मेरा फेवरेट प्रेजेंटेशन है. मैं अपने हर वेबिनार में इसे जरूर दिखाता हूँ. इसे जरूर दिखाता हूँ क्योंकि क्या होता है कि आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि अगर एक अच्छी बाय या सेल की अच्छी चीजों ने मिल गई है, लॉजिक अच्छा मिल गया, इंडिकेटर अच्छा मिल गया, स्ट्रेटजी अच्छी मिल गई या रिकमेंडेशन अच्छा मिल गया, तो पैसा बन जाएगा. लेकिन सिर्फ बाय और सेल के लॉजिक से पैसा नहीं बनता. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे ख्याल से जिसने भी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करी है वो सभी इस चीज को ऑलरेडी समझते हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बारे में बात बोला नहीं जाता और इसके बारे में बहुत कम टूल्स हैं जो ये पूरी प्रोसेस को आपको हेल्प करें. आपके पास एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे और आपको एडवाइजर भी बहुत अच्छे मिलेंगे जो कि आपको बाय या सेल की अच्छी रिकमेंडेशन देंगे. ठीक है, लेकिन जो बाकी जो पार्ट है, ऑर्डर मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन मैनेजमेंट, उसके लिए हेल्प नहीं मिलती है जनरली. ठीक है, सब ये हम सब सारे लोग ये समझते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिसिंग है. ये सिर्फ बाय और सेल के ऊपर ही, कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उसके ऊपर ही बात करी जाती है, बाकी चीजें छोड़ दी जाती है. यहाँ पर सबसे आसान है समझना ऑर्डर मैनेजमेंट, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तो ऑर्डर मैनेजमेंट क्या होता है या स्लिपेज किसे बोलते हैं. सपोज आपने प्लान किया, आपने देखा निफ्टी ऊपर जा रही है, आपने कहा कि आपने देखा निफ्टी करेंटली 9000 पे है और निफ्टी ऊपर जा रही है और आपने डिसाइड किया निफ्टी आपको बाय करना है. ठीक है, निफ्टी 9000 पे थी, निफ्टी का रेट 9000 पे चल रहा था जब आपने प्लान किया आपको बाय करना है. लेकिन जब तक आप ऑर्डर सबमिट करते हो बाय करने का, आपको 9000 का रेट नहीं मिलेगा. खासकर तब नहीं मिलेगा अगर आप मार्केट फेवर में जा रहे तो. जब तक आप बाय करोगे वो 9005, 9010 या हो सकता है 9025 भी निकल चुका हो. ठीक है, तो अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, जैसा आप बाय करना चाहते हो और मार्केट ऊपर जा रहा है,
तो आपको बाइंग प्राइस नहीं मिलता है, आपका कुछ स्लिपेज लगता है। इस एग्जांपल में 10 रुपए का स्लिपेज है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, शॉर्ट बेचना चाहते हो तो, और मार्केट अगेन आपके फेवर में जा रहा है, तो जिस रेट पे आप बेचना चाहते हो उससे नीचे ही बेच पाओगे। जैसे स्टॉप लॉस का एग्जाम्पल है, सब लोग शिकायत करते हैं अपने ब्रोकर की कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 99 पे, कटा स्टॉप लॉस कटा 98.5, 98.50 पे स्टॉप लॉस कटा। जिस रेट पे स्टॉप लॉस लगाते हैं उस रेट पे नहीं मिलता, ब्रोकर की सब शिकायत करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसे स्लिपेज बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ब्रोकर का कोई रोल नहीं होता, एक्सचेंज में ट्रेडिंग जिस तरह से होती है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझो, अगर आप सपोज सिर्फ 0.02%, मतलब 100 रुपए पे 20 पैसे का आप स्लिपेज दे रहे हो, जो कि सोचने में छोटा लगेगा, 100 रुपए पे 20 पैसा कुछ बड़ा नहीं लगता है सोचने में, ठीक है। और मान लीजिए आप 5 ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 ट्रेड का मतलब हो गया एक एंट्री एग्जिट मिला के 10 ऑर्डर दिन के हैं, तो कितना हो जाएगा 10 ट्रेड में, ये 2% हो जाएगा। 2% एक दिन का लॉस कितना होता है, अगर 2% पैसा, 2% लॉस एक दिन में कितना होता है, ये समझने के लिए अगर आप एक्सपोनेंशियली अपने पैसे को बढ़ाओगे हर दिन 2%, तो आपका पैसा 100 टाइम्स हो जाएगा एक साल के अंदर, 100 गुना हो जाएगा। 1 लाख से शुरू करोगे 1 करोड़ पे हो जाएंगे साल के एंड में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन स्लिपेज का। अब हम वापस आते हैं इस पे, बाय सेल लॉजिक के बाद हम ऑर्डर स्लिपेज की बात कर रहे थे। तो आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, अगर आप कंटिन्यूस स्लिपेज दे रहे हो मार्केट को 2% का, तो आप पैसा नहीं बना सकते। रिस्क मैनेजमेंट आपका खराब है तो भी आप पैसा नहीं बना सकते। पोजिशन मैनेजमेंट खराब है तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो हम कोशिश करेंगे चारों चीजों को एक साथ देखने की। अब स्लिपेज कैसे आती है, पहली चीज आती है स्लिपेज की जो आपको टाइम लगता है ऑर्डर प्लेस करने में। जैसे हमने बात करी थी कि निफ्टी 9000 पे चल रही है जब आपने डिसाइड किया कि बाय करना है, जब तक आप F1 दबाओगे या बाय पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी डालोगे, प्राइस डालोगे, तब तक रेट निकल जाता है। ये पहला रीजन है स्लिपेज का, सबसे कॉमन रीजन। दूसरा बड़ा रीजन है स्लिपेज का जो आपका टाइम लगता है, इमोशंस में आप फंसते हो जब, जैसे कि आपने देखा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है बाय करना है, लेकिन आप सोचने लगोगे कि कैंडल कंप्लीशन का वेट करूं या इमीडिएट बाय करूं, ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से कंफर्मेशन ले लूं उसके बाद बाय करूं या इमीडिएट बाय करूं, ठीक है, RSI बाय बोल रहा है साथ में MACD का भी वेट करूं या इमीडिएट बाय करूं। तो हम ना प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं वो प्लानिंग है, लेकिन एक्चुअली वो इमोशंस होते हैं। जब एग्जिट करना होता है, निकलना होता है, तब भी इमोशंस आते हैं कि इसी प्राइस पे निकल जाएं या होल्ड करें, थोड़ा सा लॉस और देख लें, थोड़ा और प्रॉफिट का वेट कर लें, ठीक है। तो ये जो अनप्लान्ड हफ़हज़ार तरीके से डिसीजंस आते हैं, ये एक्चुअली इमोशंस ही होते हैं हमारे, जो कि हमारा टाइम वेस्ट करते हैं और स्लिपेज बढ़ता है इन चीजों से। फिर नेटवर्क लेटेंसी भी थोड़ी सी रहती है, और ऑब्वियसली मार्केट में जो रेट निकल रहे हैं उसका भी होता है। जैसे हमने स्टॉप लॉस वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि आपने स्टॉप लॉस लगाया 99 का, तो जब LTP 99 का आएगा तो आपका एक्सचेंज जो होगा आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा, ठीक है। लेकिन जब LTP 99 का होगा तो बिड 99 की नहीं होगी। बिड मतलब बेस्ट बायर। जनरली आप देखना कि मार्केट अगर गिर रहा है तो जो LTP होती है तो बायर LTP से नीचे रहता है और जो सेलर होता है वो LTP के ऊपर रहता है। अगर मार्केट चढ़ रहा होगा तो भी बायर LTP के नीचे या बराबर ही मिलेगा। तो आपने जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे, स्टॉप लॉस आपने लगाया था 99 का, लेकिन इसमें होता क्या है इस एग्जांपल में कि वो स्टॉप लॉस तब ट्रिगर होता है जब LTP 99 होती है। उस समय आपका बायर हो सकता है 99.8 पर हो, 99.6 पे हो, 98.5 पर हो, तो जहां आपका बेस्ट बायर खड़ा होगा वहां पे आपका फेल हो जाएगा। अब स्लिपेज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, स्लिपेज हटाने के लिए हम यूज करेंगे अलग अलग डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है। आप ट्रेडर डिस्क्रिशनरी हैं या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, आप ये सारा स्लिपेज भी हटा सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और जो हम बात कर रहे थे पोजीशन मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसलिए अपने ज़ेबुल API ब्रिज जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है इसके थ्रू। तो ज़ेबुल API ब्रिज क्या है, ये कनेक्ट करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म को। डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि ME ब्रोकर, पाइथन, एक्सेल, ट्रेडिंग व्यू वगैरह वगैरह, ये सारे डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म कहलाते हैं, ठीक है। सबसे सिंगल प्लेटफॉर्म API ब्रिज कनेक्ट करेगा, ज़ेबुल API ब्रिज कनेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आपको ME ब्रोकर के लिए कोई अलग रोबो लेना है, ट्रेडिंग व्यू के लिए कोई अलग रोबो लेना है, एक्सेल के लिए कुछ और लेना है, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही चीज से काम हो जाएगा, वो है ज़ेबुल API ब्रिज।
यहाँ पर हम जेबोल एपीआई ब्रिज की बात कर रहे हैं। अगर आपका अलायंस ब्लू के साथ खराब एक्सपीरियंस रहा है तो ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप जेबो के थ्रू ट्रेड करें, ठीक है ना, और जो ये अपॉर्चुनिटी है इसका बेनिफिट लें। जेबो यहाँ पर आप इस यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो आपका इमीडिएटली एक फॉर्म खुल जाएगा, उसको आपको फिलअप कर देना है। जेबोल एपीआई ब्रिज मिलेगा कैसे आपको? प्लेटफॉर्म लेने के लिए, प्लेटफॉर्म अभी सबके लिए पेपर ट्रेडिंग वाला वर्जन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप नाम फोन नंबर वगैरह डालो, अपना क्लाइंट आईडी जीबो क्लाइंट आईडी डालो, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपकी एक ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हो आपके पास डाउनलोड डिटेल्स और सेटअप डिटेल्स सारी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जेबो एपीआई ब्रिज का आपको जेबो टीम की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको एएफएल में MT4 में कुछ करना है तो या तो आप किसी फ्रीलांसर से करवा सकते हैं या फिर खुद कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके पास चॉइसेस रहेंगी। और अगर आपको कोडिंग में नहीं पढ़ना है तो सबसे अच्छा है ट्रेडिंग व्यू या एक्सेल यूज करिए। ट्रेडिंग व्यू तो सबसे ज्यादा इजी और इजी है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर किसी कोडिंग की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको जैसे कि एमी ब्रोकर या एक्सेल के एमी ब्रोकर, पाइथन, MT4, निंजा ट्रेडर, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें बिना कोडिंग के आप ट्रेड नहीं कर सकते, तो अगर आपको आप नहीं चाहते कि किसी फ्रीलांसर को हायर करना या आप खुद भी कोडिंग नहीं करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, आप ट्रेडिंग व्यू या एक्सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा डेमो, अब हम बात कर रहे थे सिरपेज की, वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे। यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था आप डाउनलोड पे क्लिक करके या नीचे सब्सक्राइब का बटन है वहां क्लिक करके प्लेटफॉर्म की आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, सारी सेटअप डिटेल्स मिल जाएंगी, आप सेटअप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है अपने कंप्यूटर में, मैं लॉग इन हूँ। सो दिस इज हाउ द प्लेटफॉर्म लुक्स। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल सेटिंग्स है, ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री, नेट पोजिशन, रिस्क मैनेजमेंट, बहुत सारी अलग अलग तरह की सेटिंग्स है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं दिखाऊंगा सबसे पहले डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है ये। जो लोग सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो स्लिपेज बचाना चाहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहते हैं, और जो कोई किसी भी स्ट्रेटजी नहीं करना चाहते, जो एल्गो नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल है। स्लिपेज का एग्जाम्पल पहले देख के मैंने समझाया था, तो एक ऑर्डर प्लेस करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एमी ब्रोकर है, एमी ब्रोकर में कुछ बटन्स है, एक कोई चार्ट पे कुछ स्ट्रेटजी भी लगी है। मान लीजिए मैं ये स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूँ और बटन से ट्रेड करता हूँ। तो बटन है LELX SESX, मतलब लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट एग्जिट। यूजली जो नॉर्मल मैनुअल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर से बाय और सेल होता है, लेकिन यहाँ हम एपीआई ब्रिज में चार तरह के बटन का यूज करते हैं हमेशा, लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट, शॉर्ट एंट्री और शॉर्ट एग्जिट। चार बटन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर हमें सिंपल बाय और सेल नहीं करना है, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अब एक ऑर्डर प्लेस मैं करूंगा सिंपल एक बटन पे क्लिक करके, एली लॉन्ग एंट्री का बटन मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने SBI पे किया, इंस्टेंट पॉपअप सा ऑर्डर प्लेस। तो हम देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो सिग्नल रिसीव फ्रॉम लोकल PC, है ना, मतलब कि इसको एक मैग्नीफायर में मैं लॉग दिखाता हूं आपको, सिग्नल रिसीव फ्रॉम लोकल PC इन SBI, देन सेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस। ये इमीडिएटली एप्लीकेशन ने लॉग जनरेट करते हुए ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, ये जो ऑर्डर प्लेस हुआ है इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं, जेबोल का जो प्लेटफॉर्म रहेगा इसके अंदर भी लॉग इन करके यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अभी जस्ट मैंने प्रेस किया था 18:13:34, ये बाय वाला जो है वो ऑर्डर आया SBI का, और ऑब्वियसली मार्केट बंद है तो वो रिजेक्ट हो गया। अब हम बात कर रहे थे स्लिपेज की, तब आप देखो ये मैनुअल ट्रेडिंग से कितना ज्यादा फास्ट है। फिर से मैं मैग्नीफायर ऑन करके आपको टाइम स्टैम्प दिखाता हूं। देखिए 18:13:33:33, ठीक है, जो 343 जो है वो मिली सेकेंड है, 343 मिली सेकेंड पे सिग्नल रिसीव हुआ, 460 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, मतलब लगभग 200 मिली सेकेंड में। अगर हम जो बात कर रहे थे मैनुअल ट्रेडिंग में आप ऑर्डर जो प्लेस करते हो वो जनरली 20-30 सेकेंड्स में होता है, तो इसका मतलब ये कितना फास्ट हुआ, मिनिमम 100 टाइम्स फास्ट है, मिनिमम 100 टाइम्स फास्ट। ठीक है, और
आप अगर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लो, मैं अभी आपको ट्रेडिंग व्यू से दिखाऊंगा। आप अभी ये ऑर्डर 200 मिलीसेकंड में प्लेस हुआ है, अगर आप एक सिंपल एक बीपीएस ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको ऑप्टिमाइज करते हैं तो 50 मिलीसेकंड में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मतलब मैनुअल ट्रेडिंग से आप यू कैन गो अप टू 400 to 500 टाइम्स फास्टर। इंडिया के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी जो ब्रिज आपको अवेलेबल है एमी ब्रोकर या ट्रेडिंग व्यू के लिए, पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी ब्रिज से कंपेयर करोगे, जीबो एपीआई ब्रिज आपको सबसे ज्यादा फास्ट मिलेगा। स्पीड में कोई भी जीबो एपीआई ब्रिज की बराबरी नहीं करता। दिस इज द फास्टेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल ट्रेडर्स इन एंटायर इंडिया। ठीक है, तो ये बड़ा आसान और सिंपल तरीका है स्लिपेज बचाने का। इंस्टेड कि हम जब यू नो बाय सेल बन रहा है, हम मैनुअली बाय सेल करने के लिए जाएं, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, बटन्स यूज कर सकते हैं ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जो लोग थोड़े से हम कह सकते हैं जो लोग थोड़े से एडवांस हैं, जिन्हें ऑलरेडी समझ है सिस्टम स्ट्रेटजीज की, ऑटोमेशन की, ठीक है, वो फुल ऑटोमेटिक भी ट्रेड कर सकते हैं इसके थ्रू। मैं फुल ऑटोमेटिक दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे जो एमी ब्रोकर से फेमिलियर है वो समझेंगे यहाँ पे बार रिप्ले जो फीचर होता है। तो एक प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट पे मैं बार रिप्ले चला के आपको फुल ऑटोमेशन भी दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, इंस्टेंट उसने सेल का ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, मैं बार रिप्ले चला के छोड़ दूंगा, इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं ताकि देखने में हमें अच्छा लगेगा, टाइम हमारा कम जाएगा इसमें। जब भी बाय या सेल का सिग्नल चार्ट में आएगा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, जो एमी ब्रोकर या MT4 या फिर ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू में भी स्ट्रेटजी ऐसी ऑटोमेट हो जाती है, एक्सेल में भी इसी तरह से स्ट्रेटजीज ऑटोमेट हो जाती है। तो जो लोग स्ट्रेटजी फुल स्ट्रेटजी ऑटोमेशन करना चाहते हैं वो इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं ऑटोमेटिकली एपीआई ब्रिज के थ्रू। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रेड प्लेस होते जा रहे थे। ये zibul.in प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो वहां भी हम देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं। ओके, सो अब हम ठीक है, अब ये था स्लिपेज मैनेजमेंट की बात। हम जाते हैं अगली चीज जो मैं बात कर रहा था, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं उनको एक्टिवेट करूंगा। अब ये देखिए, अब हम जैसे SBI में आप ट्रेड तो कर रहे हो, लेकिन आप मैक्सिमम कितनी पोजीशन ट्रेड करना चाहोगे। सपोज आपने एक बार बाय किया, दूसरी बार बाय किया, तीसरी बार बाय किया, तो कोई लिमिट होगी ना, आपने प्लान करके रखा होगा कि इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है मुझे एक शेयर में। तो आप मैक्स ओपन पोजीशन एक चीज है, ये सेट कर सकते हो। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट आप शेयर सेट कर सकते हो कि 4000 का प्रॉफिट हो तो मेरी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए। ठीक है, लॉस सेट कर सकते हो कि अगर 2000 का लॉस हो तो मेरी पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए। इस तरह की कई तरह की फैसिलिटीज हैं। रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करें, मैक्स ऑर्डर पर मिनट। सपोज आप बोलो कि मैं स्लो ट्रेडिंग करता हूँ, एक मिनट के अंदर दो ऑर्डर नहीं जाने चाहिए कभी भी, चाहे गलती से भी क्लिक हो जाए तो भी नहीं जाना चाहिए। ट्रेड्स मैक्स ट्रेड्स पर डे आपने बोला, मान लो 20 ट्रेड से ज्यादा दिन में लेनी नहीं है, डिसिप्लिन होके काम करना है। मैक्स सिंबल पोजीशन, सपोज आप बहुत अलग अलग बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपने फिर से एक डिसिप्लिन होने के लिए एक ये सेट कर सकते हो कि 5 से ज्यादा सिंबल्स में पोजीशन नहीं बनना चाहिए। मैक्स डेली लॉस भी एक चीज है, सपोज आपने बोला कि दिन का 15000 का लॉस हो जाए तो मेरी ट्रेडिंग बंद हो जाए। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट की चीजें हैं। ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन भी होता है इसके अंदर एक चीज है सिग्नल रूल्स की, जहां से आप ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिलेशन वगैरह भी मैनेज कर सकते हो। बेस्ड ऑन सिग्नल्स आपके ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिल होंगे या मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस रीच होगा अगर आप लिमिट ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हो या स्टॉप लिमिट ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस SLM स्टॉप मार्केट ऑर्डर में ट्रेड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर कैंसिलेशन बहुत यूजफुल फीचर होता है। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि एमी ब्रोकर में लाइव डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, अगर आपको खुद अच्छी कोडिंग नहीं आती है या फिर आपके पास कोई फ्रीलांसर अच्छा फ्रीलांसर नहीं है, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एमी ब्रोकर, MT4, निंजा ट्रेडर ये मत यूज करिए, आप लोग ट्रेडिंग व्यू यूज करें। ठीक है, मैं ट्रेडिंग व्यू का आपको सेटअप दिखाता हूँ फटाफट।
तो एक मिनट हाँ, तो ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल आपके सामने इंस्टॉल करूंगा मैं फ्रेश ट्रेडिंग व्यू कैसे अभी एमी ब्रोकर के साथ चल रहा था, अभी मुझे ट्रेडिंग व्यू के साथ करना है तो क्या करना है सिंपल, मैं इसके हेल्प मेनू पे मैंने क्लिक किया, जंप स्टार्ट के ऊपर मैं जाऊंगा, जंप स्टार्ट विद ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू के लिए एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई है, एपीआई ब्रिज एक्सटेंशन हैज बीन इंस्टॉल्ड, तो ट्रेडिंग व्यू का सेटअप हो गया मेरा, इतना फास्ट सेटअप हो गया मेरा। अब आप देखो ट्रेडिंग व्यू का मैंने चार्ट खोला और ठीक है ऑटोमेटिक ही जो चार्ट है कुछ लेआउट वगैरह बना था इस पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया ये बटन्स बन के आ गए LELX SESX जो हम एमी ब्रोकर के अंदर देख रहे थे। ठीक है तो यहां भी हम उसी तरह बटन से भी ट्रेड कर सकते हैं और फुल ऑटोमेटिकली भी ट्रेड कर सकते हैं। मैंने एली पे क्लिक किया, अच्छा यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है, SBI का चार्ट लगा के SBI के चार्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू से। अच्छा फ्री ट्रेडिंग व्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि फ्री ट्रेडिंग व्यू से चल जाएगा या हमें पेड लेना पड़ेगा। ट्रेडिंग व्यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सेमी ऑटो कर सकते हो बटन वाली, आप फुल ऑटोमेटिक ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू के साथ ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कैसे करनी है सिंपल, आप हेल्प पैनल के अंदर जाइए और ये जो है आपको फ्री वर्जन कैसे, फ्री वर्जन में कैसे स्ट्रेटजी सेटअप वगैरह करना है सारी डिटेल्स दी हैं। ये हम ये इंट्रोडक्टरी वेबिनार है, थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे बट मतलब उतना डिटेल में नहीं जा सकता मैं कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी वगैरह सेट करेंगे, लेकिन एक बड़ा सिंपल तरीके से मैंने दिखाया कि अगर आपको कोडिंग नहीं करनी है, आपको AFL के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको डेटा की कॉस्ट भी देनी है, आपको मंथली कुछ फ्री चाहिए इस तरह की आप स्ट्रेटजी। Yeah, so I'm back. Hope now it is clear. Now clear. Sorry, yeah, sorry for I don't know what happened. I mean, it was not internet issue. I mean, पता नहीं क्या हुआ था weird सा जिसकी वजह से था। तो हम question answer हम ले रहे थे। मैंने आपको demo दिखा दिया है एमी ब्रोकर के साथ भी, ट्रेडिंग व्यू के साथ भी, और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको किसी भी तरह के questions हो ZeeBoo के YouTube चैनल पे ये जो वीडियोस हैं एक्सेल से कैसे चलाना है, एमी ब्रोकर से कैसे चलाना है, ट्रेडिंग व्यू से कैसे चलाना है, ये वीडियोस ऑलरेडी हैं है ना इसके ZeeBoo के YouTube चैनल पे जिसको आप यूज कर सकते हो। और ये आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी समय ZeeBooTrade.com/APIBridge इस URL पे जाके फॉर्म फिलअप करिए जिससे कि आपको APIBridge का फ्री वर्जन इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है इमीडिएटली आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एपीआई ब्रिज का फ्री वर्जन जो है अपने में आप लोग ठीक है ZeeBooTrade.com/APIBridge मैंने चैट में आप लोगों को लिंक दिया है ZeeBooTrade.com/APIBridge ये लिंक है आप सभी लोग इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म है जहां पर आपका ईमेल वेरीफाई होता है OTP से और इमीडिएटली आपको ईमेल के ऊपर ही रजिस्टर्स का डाउनलोड लिंक सेटअप डिटेल्स सारी की सारी मिल जाएंगी। मीनवाइल कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस पूछते रहिए मैं एक एक करके आंसर दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर जो ZeeBoo टीम का जो ZeeBoo का ही कॉन्टेक्ट नंबर है आप उस पर ही डायल कर सकते हैं किस कुछ भी पूछने के लिए। वीडियोज भी हैं वैसे तो वीडियो से मैं आशा करता हूं कि 99% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो क्वेश्चंस हैं वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएंगे। जो नहीं होता है आप ZeeBoo टीम को फोन या ईमेल कर सकते हैं, जो फोन नंबर वेबसाइट पर है उसी नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा फिर से एक रिक्वेस्ट आई है कि निफ्टी में निफ्टी के बेसिस पे ऑप्शन में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और फिर से दिखाने के लिए देखिए एपीआई ब्रिज के अंदर मैं दोबारा से एपीआई ब्रिज फ्रेश लॉगिन कर रहा हूं ZeeBoo एपीआई ब्रिज
एपीआई ब्रिज के अंदर एक खास फीचर होता है जो सिंबल सेटिंग्स में आप देख रहे थे, वो क्या था, इनपुट सिंबल। ठीक है, इनपुट सिंबल के इनपुट सिंबल अलग हो सकता है और ट्रेडिंग सिंबल अलग हो सकता है। तो इसका मतलब इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन क्या है कि आप जो है NYMEX क्रूड के ट्रेंड के बेसिस पे MCX क्रूड को बाय और सेल कर सकते हो। आपको जान के आश्चर्य होगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप अंडरलाइन इनपुट सिंबल आप कुछ भी रख सकते हो और ट्रेडिंग सिंबल कुछ भी रख सकते हो। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया था, जो निफ्टी कैश का जो इनपुट सिंबल है मतलब निफ्टी अलोन, उसके बेसिस पे मैं कॉल के अंदर बाय और सेल कर रहा था। ठीक है, जो निफ्टी कैश का जो सिंबल है उसके बेसिस पे निफ्टी, देखिए मैं फिर से लॉगिन कर रहा हूं एपीआई ब्रिज के अंदर और फिर से एक ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूं आपको। निफ्टी का कैश का जो सिंबल है उसके बेसिस पे मैं निफ्टी जो है ना ऑप्शंस के अंदर बाय और सेल कर सकता हूं। इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि मैंने ब्रिज तो चालू किया है लेकिन उसके बाद से ट्रेडिंग व्यू का पहले का ही सेशन चल रहा है। अच्छा देखिए, ये ट्रेडिंग व्यू का एक्सटेंशन जो हमने यूज किया, सबसे ऊपर आप देख सकते हो एक रेड अल्फा आइकन है। तो आइकन अगर रेड है तो इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है ये आपके एपीआई ब्रिज के साथ में। ये आइकन जब ग्रीन होता है तभी कनेक्टेड है, अभी भी ये आइकन रेड ही आ रहा है। प्रोबेबली मेरा ना सिस्टम को मैंने जो या आइकन अभी ग्रीन हो गया तो मतलब कनेक्टेड हो गया, क्योंकि बीच में मैंने ब्रिज चालू बंद किया था तो वो कनेक्शन टूट गया होगा। दोबारा से मैंने सिंपल बस रिफ्रेश किया, कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट हो गया तो मैं फिर से एक बार एली पे क्लिक किया है मैंने, ब्रोकर कनेक्शन जस्ट फिर इसको सिग्नल सेटिंग्स के अंदर हटा देंगे स्ट्रक्चर। इसको फ्रेश ही खोलना पड़ेगा टैब बंद करके, क्योंकि वो एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर एक मैसेज, जब भी आपका ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट होगा या एमी ब्रोकर से कनेक्ट होगा मैसेज आएगा, हैंडशेक रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू दैट वाज गुड। ओके स्टॉप ट्रेडिंग, रिस्टार्ट दिस एक बार। एपीआई की एंड सेटअप ठीक है, उसकी भी बात करते हैं एक बार, मैं दिखाता हूं आपको। एपीआई की के लिए आपको यहाँ zeeble.in में लॉगिन करना है। आपका जो क्लाइंट आईडी है वहां जाके सेटिंग्स में जाइए और आपकी एपीआई की आपको यहाँ पे दिखेगी। ये एपीआई की आपको zeeble एपीआई ब्रिज के अंदर सेट करनी है। ये सब जो भी ये जो सेटअप का पूरा प्रोसेस है, जब भी आप लोग डाउनलोड पे जैसे जो फॉर्म फिलअप करोगे, फ्री फॉर्म जब भी फिलअप करोगे इमीडिएटली आपको ये सेटअप के इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, तो वही जो पहले आपको मैं दिखा रहा था, इसका सीक्वेंस नहीं होता है कोई। बाय द वे आप लोगों ने देखा कि पहले ऑर्डर नहीं जा रहे थे, अभी आपके जाने लग गए, तो इसका कोई सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट ये होता है कि देखिए मैंने गलती क्या करी थी, पहले ऑर्डर क्यों नहीं जा रहे थे, मैंने ट्रेडिंग स्टॉप किए बिना जो ब्रिज को बंद किया था
और जब वो कनेक्टेड था उसी मतलब ट्रेडिंग स्टॉप के बिना ब्रिज को बंद करके दोबारा से चालू किया था मैंने, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर एग्जिट कर रहे हैं तो ये इश्यू नहीं आता है, मैंने ब्रिज को रिस्टार्ट किया तो वो चल गया। अब एक और क्वेश्चन आया है कि दिस एपीआई ब्रिज वर्केबल फॉर इंडिविजुअल और फॉर मल्टीपल क्लाइंट ऑल्सो, मल्टीपल क्लाइंट में भी आप ट्रेड कर सकते हो, इसी ब्रिज के आप मल्टीपल इंस्टेंस अपने कंप्यूटर में चला सकते हो, इवन ये भी फैसिलिटी है कि आप 100 क्लाइंट के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जो मल्टी क्लाइंट सेटअप होता है थोड़ा सा अलग होता है, आप ज़ीबो टीम से कॉन्टेक्ट करिए, वो आपको सेपरेटली सॉल्यूशन बता देंगे। अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है हम इस सेशन को यहां पर ही खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो ज़ीबो टीम आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन नाउ। या श्योर, यू कैन एडिट एंड पॉज द सेशन टू यूट्यूब एंड देन यस यस ओके। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। या एक कोई क्वेश्चन या रिकॉर्डिंग जल्दी आ जाएगी, प्रोबेबली 1 से 2 दिन के अंदर यूट्यूब चैनल पे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी। थैंक यू। टुमारो इवनिंग इट विल बी अवेलेबल इन यूट्यूब चैनल। ओके, यू कैन व्यू ऑन टुमारो। थैंक यू एवरीवन वेरी मच।